ମାତା ମନସା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ହରିଦ୍ୱାରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହା ଏକ ସର୍ବପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ମନସାର ଅର୍ଥ ମନସ୍କାମନା। ମାନ୍ୟତା ଓ ଆସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର ମନରେ ଯାହା ମାନସିକ କରନ୍ତି ତାକୁ ମାତା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିର ହରିଦ୍ୱାର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3-4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗଲେ ବିଲୱା ପର୍ବତର ଶିଖର ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1811-1815 ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଜା ଗୋପାଳ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ଉପର ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ତ ରହିଛି, ତା ଛଡ଼ା ରୋପୱେରେ ଯିବାର ମଜା ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଖୁବ୍ ନେଇଥାନ୍ତି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚା ଓ ବାରମଜାର ଆନନ୍ଦ ଖୁବ୍ ନିଆରା। ये मनसा माता एक गुड़िया थी, उन्होंने देखी थी मनसा माता। अच्छा, तो उन्होंने मिट्टी की माता बनाई। हाँ, ये मनसा माता है, तभी तो इनका नाम मनसा माता कहा। मनसा पूरण करती मूर्ति बनाई थी, जो बड़ी माता है वहाँ पर, तो वो माता नहीं है, जो छोटी सी रखी हुई है ना, नथ पहनी हुई, आप देखोगे हनुमान कलर की नथ पहन रखी उन्होंने। अच्छा। वो मनसा माता, उन्होंने वो ही बनाई थी और वो ही आज तक चलती है। तब तक तो ये रास्ता वास्ता सब नहीं था, कुछ नहीं था, सारा पहाड़ था। ପର୍ବତ ଉପରୁ ତଳ ବଜାର ଓ ବଜାରର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦୂର ଦିଗ୍ବେଳ ଖୁବ୍ ମନୋରମ, ଖୁବ୍ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ, ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଶୀତଦିନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଧ୍ୱନି ଜଳାଯାଇଥାଏ। ପଥଚାରୀମାନେ ଶୀତରୁ ଟିକେ ଆରାମ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଏଠାରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। हमें कहीं नहीं जाना पड़ता है, व्यापारी सब है, वही नहीं लागे। अच्छा, आपसे इतिहास का है, वो लोग लाते हैं आपसे बीच में सी एंड एफ करते हैं। हाँ, और माँ की कृपा आपके ऊपर है, वो बहुत बढ़िया है। कुछ बोलेंगे, कुछ शेयर करेंगे, कैसे कुछ प्रॉब्लम हुआ था, माँ ने कुछ किए? नहीं, ऐसा तो प्रॉब्लम तो हुआ था हमारे साथ बहुत सारा। अच्छा। जैसे यार दोस्तों में रह के बहुत ज़्यादा वो थोड़ा वो परेशानी हो गई। परेशानी हो गई। अच्छा। इधर उधर से कर्ज ले कर उनको दे दिया। अच्छा। जब यहाँ पर आया तो कमाया, तो यहीं से सराया। अच्छा, कमाई हो रहा है। अच्छा, साल में कितने हो रहा है? साल में यही क्या है, रोज के 500-700 रुपये आई जाते हो जाता है। यह हूँ मंदिर परिवेश और भीतर देश खूब गहली और खूब कोलाहल भितर भोग सामग्री पूजा सामग्री सहित माता प्रसाद शंखा सिंदूर मिलता है। ଏବେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ହରିଦ୍ୱାର ଆସୁଛନ୍ତି, ମନସା ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ଓ ଏହାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ।